Hey guys, welcome back. शाम का टाइम हो गया है, अराउंड 4:35 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में. किचन में इसलिए बिकॉज आज बनाना है कुछ स्पेशल इवनिंग स्नैक्स में. नॉर्मली हमारे घर में इवनिंग स्नैक्स में स्वीट जैसे कुछ बनता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि कल मैंने जब खीर बनाई थी ना राइस खीर, तो हस्बैंड ने बोला कि क्योंकि वो सुबह के टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अगर उनको जल्दी में जाना है तो वो चले जाते हैं, नहीं तो इफ़ यू हैव टाइम ही बिजी. तो आज वो ब्रेकफास्ट करे बगैर गए हैं, तो जब आएंगे तो कुछ अच्छा सा चाहिए होगा. तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं और इवनिंग स्नैक में बहुत जल्दी बन जाएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करके रखा है मैंने, कल ही सोक कर दिया था. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मुझे चाहिए कोरिएंडर. जब से ये लॉकडाउन का सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, मैं इस तरह से कोरिएंडर को संभाल के रख रही हूँ, मतलब कि अच्छी तरह से साफ करके उसको सुखाना पड़ रहा है, उसके बाद इस तरह से रखना पड़ रहा है. अभी एक जो कोरिएंडर है हम लोगों को 5 to 6 days हो गए हैं लाकर, तो इस तरह से रखते हैं. तो पहले तो मुझे चाहिए होगा कोरिएंडर, बंच ऑफ कोरिएंडर चाहिए इसमें, फिर चाहिए गार्लिक, नॉर्मली इसमें ग्रीन चिली नहीं पड़ती है, बट देन आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड ग्रीन चिलीज एज वेल. मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी थोड़ी सी, ज़्यादा ही, आई थिंक दैट शुड बी एनफ. हाँ, तो इन सारे मिक्सचर को पहले तो मैं इसको चॉप करके लूँगी. ये हो गए चॉप. अभी आया द मेन इंग्रेडिएंट, ये चिकपीस जो है ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा था और वॉश करके अभी इसमें ऐड हो. अभी इसमें आपको ऐड करना है क्यूमिन. मेरे पास क्यूमिन्स है, आप चाहे तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं क्यूमिन ऐड कर रही हूँ. ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्लैक पेपर पाउडर. मैं ब्लैक पेपर पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड करूँगी. थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एंड बहुत ही थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर. अगर आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड क्रम्स है तो ब्रेड क्रम यूज़ कर लीजिए. मेरे पास ब्रेड क्रम नहीं है तो ये वाला जो ब्रेड है मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते. तो मैं पहले ब्रेड क्रम्स प्रिपेयर करके लूँगी, क्योंकि मुझे उस मिक्सचर में ऐड करना होगा ब्रेड क्रम्स को. तो इस मिक्सचर में मुझे ऐड करना होगा ब्रेड क्रम्स को. और डेफिनेटली मैं हाथ का ही यूज करूंगी, तो हाथ का यूज कीजिए या फिर आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं, हैंड इज द बेस्ट ऑप्शन. और फिर इसके जो स्पाइसेस है वो चेक कर लो, लाइक सॉल्ट. यहाँ पर हैना जो है उठ गई है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने उसको चॉकलेट दे दिया है, ताकि वो मुझे थोड़ा सा काम करने के लिए दे दे. चलो चाय बनाते हैं तब तक. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम तक रुक सकते हैं आप फ्रिज के अंदर, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसीलिए मैं क्विकली बनाऊँगी. तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, एक साइड में मैंने कढ़ाई को रख दिया है. तो ये है वो मिक्सचर जिसको मुझे अभी बॉल्स बनाने हैं.
ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत पसंद ही नहीं है, क्योंकि रिफ़िल करना तो मुझे आई डोंट लाइक इट एट ऑल। इसीलिए मैंने थोड़ी बड़ी बॉटल लाई थी, पहले तो बहुत छोटी वाली बॉटल थी, अभी थोड़ी सी बड़ी बॉटल है मेरे पास, विच इज़ स्टिल गुड। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर उनको फ्राई करके लेते हैं। इसको आराम से हिलाते हैं, नहीं तो ये टूट जाने के चांसेस है। अगर टूटना नहीं है तो आप फ्रिज में इसको इस तरह से बॉल्स बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, फिर ये फॉर्म हो जाएंगे अच्छी तरह से, टूटेंगे नहीं। लेकिन जब आप जल्दी बनाएंगे तो टूटने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा धीमे धीमे हिलाना है इसको। अभी थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन अभी ये रोएगी, नीचे रखूंगी तो इसके लिए मैं बनाऊंगी एक ही हाथ से। Try to make it human and let's see अगर बना पाती हूँ या नहीं। How is it? Good? Really good? Huh? When I bite, it tastes like fish cutlet. Not fish cutlet, but... Try this. I made it in the afternoon. Hot? No, a little cold. Try. What is this? What you can see? Wow, soft man. What it is? A potato. Yeah. I thought chicken piece like. Yeah, no. I made this in the afternoon, in my previous vlog. Baba, how's the food? Huh? What are you eating, by the way? Do you know what you're eating? It is called fish cutlet. Is it fish cutlet? Is it tasting like fish? No. Of course, it will not go with fish because fish is not that smooth. Yeah, no. She's also enjoying. Huh? She's enjoying. तो गाइस सडनली मैंने ये एंड ही नहीं किया था, जब मैं एडिट कर रही तभी रियलाइज़ किया कि मैंने व्लॉग को एंड ही नहीं किया है और मैंने बताया नहीं है आपको कि कैसे बने हैं। बहुत ही अमेजिंग से बने थे। और इस डिश को कहा जाता है फलाफल। ये अरबिक डिश होती है, जो कि शायद मैंने अपने व्लॉग में नहीं बताया स्टार्टिंग में ये डिश का नाम, लेकिन इसका नाम है फलाफल। अब तो हम लोगों ने तो बहुत ही इन्जॉय किया, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, ही जस्ट लव्ड इट। एंड हेतम ऑल्सो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हेतम खाएगा, लेकिन ही ऑल्सो एट। तो गाइज एनीवेज, तो आई एम गोइंग टू एंड माय ब्लॉग हियर ओनली। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।